हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फोन वॉलर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम में किस तरह से कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं मेरे डिवाइस के इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा, यहाँ पर मैंने मेरे इंस्टाग्राम आईडी में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक देके रखा है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर youtube.com/phonewall। तो इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा होगा instagram.com, फिर आपका जो यूजर नेम है वो। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा यूजर नेम musaddiq79 है, तो यहाँ पर होगा instagram.com/musaddiq79। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक कॉपी करके बता देता हूँ। लिंक कॉपी करने के लिए कॉपी प्रोफाइल यूआरएल पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम एक बार पेस्ट करके ट्राई कर लेते हैं कि हमको लिंक कैसा देखने को मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं मैंने पेस्ट कर लिया है, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही लंबा देखने को मिल रहा है ये लिंक, और इसके वजह से बहुत ही मतलब बेकार सा भी लगता है कि अगर आप किसी को सेंड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आप किस तरह से कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आपको इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल क्रिएट करना है, तो आपका जो डिवाइस का गूगल है उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल ओपन करोगे, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम लॉगिन। जैसे आप इंस्टाग्राम लॉगिन सर्च करोगे, यहाँ पर आपको पहला ही लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पर उससे लॉगिन कर लेना है। तो मैं मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब नीचे के साइड देख सकते हो, एकदम राइट डाउन कॉर्नर पे यहाँ पर आपको प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, नॉट नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो इंस्टाग्राम पेज है, मतलब आपको जो इंस्टाग्राम आईडी है, उसका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो मेन काम क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो ऊपर जो लिंक देखने को मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं हम। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉपी का आइकन देखने को मिल रहा होगा मिडल में, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बस आपका जो काम है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम पेस्ट करके देख सकते हैं कि हमको कैसा लिंक देखने को मिला। तो मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले लिंक पेस्ट कर लेते हैं हमारी। तो लॉन्ग टैप करके रखना है। जैसे लॉन्ग टैप करोगे, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं www.instagram.com/musaddiq79। जैसे कि देख सकते हैं अभी ये जो हमारा इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल है वो क्रिएट हो चुका है, और ये हमको बहुत ही शॉर्ट में देखने को मिलता है। जो इंस्टाग्राम का जो नॉर्मल प्रोफाइल लिंक होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है और बहुत बेकार भी लगता है। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम का कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम पहले गूगल में इसे पेस्ट करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसे सर्च कर लेते हैं। तो सर्च करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है वो खुल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम का जो कस्टम यूआरएल है प्रोफाइल का वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको इंस्टाग्राम के रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि इंस्टाग्राम के आपको सारी चैट डिलीट करनी है, या फिर आपको इंस्टाग्राम के चैट हाइड करने, या फिर आपको इंस्टाग्राम के रील्स के व्यू इंक्रीज करने, तो सभी टॉपिक में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंस्टाग्राम का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इंस्टाग्राम की वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।